बच्चों आज है हमारा लेक्चर 121 और हम स्टार्ट ले रहे हैं आज आपके एसएस में जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ये है आपका पेज नंबर 18, आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 18 है इसका टेक्स्ट बुक में। सो मोशंस ऑफ द अर्थ, देखो आपने आगे चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का मतलब कुछ मूवमेंट। तो अर्थ के दो तरह के मूवमेंट या दो तरह के मोशन है, कौन कौन से? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहली पॉइंट हम यही टिक करेंगे, क्या कि द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट कि अर्थ के दो मोशंस होते हैं, रोटेशन रिवॉल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? रोटेशन का मतलब रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का मूवमेंट उसी के एक्सिस के इर्द गिर्द। एक्सिस का मतलब क्या होता है? आप कुछ बोल सकते हो, एक्सिस मतलब उसका सेंटर बोल सकते हो, ठीक है? एक्सिस आप सेंटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। सो अर्थ का रोटेशन उसी के ही एक्सिस के इर्द गिर्द, उसी के ही एक्सिस के आजू बाजू, उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है? थर्ड है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। अगर अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है वो है रिवॉल्यूशन, ठीक है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है? अर्थ का मूवमेंट सन के आजू बाजू, अर्थ का मूवमेंट सन के आजू बाजू उसे कहते हैं, या ऑर्बिट के आजू बाजू, ठीक है? पाथ या ऑर्बिट जो भी बोलो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है? सो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो क्या बोलोगे? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस बोले तो सेंटर, एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस मतलब सेंटर। सो रोटेशन मतलब अर्थ का मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस, और रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का मूवमेंट सन के आजू बाजू। सन के आजू बाजू तो रिवॉल्यूशन, खुद के आजू बाजू तो रोटेशन, ठीक है? सो दो डेफिनेशंस हो गई, कूल। अब यहाँ देखो, अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? सो ऑर्बिटल प्लेन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अब हमने जो अभी अभी axis of the earth वाली बात बोली, axis of the earth, actually ये axis of the earth क्या है? मैंने कहा center है, पर center नहीं, ये एक imaginary line है, ये एक हमारी imagine की हुई line है जो कि angle बनाती है 66.5 degree, ठीक है? हमारी इमेजिन की हुई लाइन है जो कि एंगल बनाती है 66.5 degree अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन की डेफिनेशन क्या हुई? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है? ऑर्बिट द्वारा बनाया गया प्लेन। अच्छा, ऑर्बिट मतलब कोई फिक्स्ड पाथ, ठीक है? सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। देखो अर्थ को लाइट कहां से मिलती है? सन से मिलती है, और क्योंकि अर्थ की शेप है स्फेरिकल, सो उसकी जो आधी लाइट होती है, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। मतलब क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल शेप है, तो इस स्फेरिकल शेप की वजह से अर्थ को आधी ही लाइट मिल पाती है, और इसी वजह से जो सन को देखता, जो पोर्शन सन की तरफ होता है अर्थ का, वहां दिन होती है, और जो सन से दूर होता है वहां रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखो सपोज सन अर्थ है, देखो सपोज अर्थ है, ठीक है? सो ये अर्थ है। अब अर्थ में देखो, अब जैसे सन है, ठीक है, यहाँ सन है, तो सन की रोशनी यहाँ यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ दोपहर होगी, ठीक है? यहाँ डे होगा क्योंकि यहाँ सन की रोशनी पड़ी। सन की रोशनी पड़ी तो यहाँ क्या होगा? डे। और यहाँ खाली रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगी? नाइट, ठीक है? सो आधा मतलब सन के हिसाब से होता है, आधे आधे अर्थ पे
डे होती है, आधे अर्थ पे नाइट होती है, तो सन के हिसाब से होती है। सो उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो सर्कल जो डिवाइड करता है डे को नाइट से, ग्लोब पे जो डिवाइड करता है डे को नाइट से, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। सो दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। ठीक है, मतलब ये देखो, जैसे यहाँ अर्थ है, ठीक है, यहाँ अर्थ है, अर्थ का एक्सिस हमने क्या पढ़ा, अर्थ का एक्सिस कितने पे बढ़ता है, 66.5 डिग्री पे। ठीक है, सो ये अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये, तो कभी भी ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाते, कभी भी अर्थ जो एक्सिस है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे चढ़ नहीं जाता। एक्सिस क्या है? एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है इमेजिनरी लाइन जिससे मतलब अर्थ जिसके इर्द गिर्द रोटेट करता है। ठीक है, एक्सिस है इमेजिनरी लाइन जिससे अर्थ इर्द गिर्द रोटेट करता है। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो लाइन जिससे दिन और रात वाली जगहें सेपरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का है जो, अर्थ का शेप स्फेरिकल है, राउंड है, तो इसलिए जब सूर्य की रोशनी गिरती है तो सिर्फ ऊपर ही गिरती है, नीचे तो क्या रह जाती है, रात। तो वो जो सेपरेट करती है लाइन, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सो द सर्कल डज नॉट, तो मैंने अभी अभी वही बात बोली, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ को पूरे 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कम्प्लीट करने में अपने एक्सिस पे। सो हम उसी को ही क्या बोलते हैं, एक दिन। एक पूरा दिन कब होता है? जब अर्थ अपने इर्द गिर्द चक्कर काटती है, एक, जब अर्थ अपने इर्द गिर्द एक चक्कर काटती है, मतलब अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड, तो उसे हम द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि भाई अर्थ डे, मतलब इसका मतलब एक पूरा दिन होता है। ठीक है, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो अब आपको पता लगा दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरा। ठीक है, इसीलिए पूरे 24 घंटे होते हैं दिन में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अवर अर्थ के बारे में, रोटेशन के बारे में हुआ। ठीक है, अगर सोचो, अगर आप सोच के देखो कि भाई सपोज अर्थ रोटेट नहीं करती, आप सोच रहे होंगे कि अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, सपोज अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो क्या होता, सपोज अर्थ नहीं रोटेट करती तो क्या होता। सो अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, सपोज अर्थ रोटेट नहीं करती तो क्या होता, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, अगर अर्थ घूमती नहीं, अर्थ अपने इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटती तो क्या होता, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। मतलब जो पोर्शन पे दिन है वहां पे दिन ही रहता, अगर रोटेट घूमती नहीं तो क्या होता। जैसे कि, तो देखो, अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होता, अगर अर्थ सपोज रोटेट नहीं होती तो क्या होता, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। देखो, अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होता, तो जो अर्थ सन को फेस करता है वो हमेशा वहाँ दिन ही रहता, इसलिए वहाँ पे हमेशा रोशनी ही गिरती रहती, और जो बाकी जो पार्ट है वहाँ डार्कनेस ही होती, वहाँ मतलब अंधेरा ही होता और वहाँ पे ठंडी रहती। ठीक है, तो हम जी नहीं पाते, मतलब अर्थ रोटेट नहीं, आप सोच रहे हो अर्थ, हम क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि रोटेशन हमें क्यों पढ़ना है, अर्थ घूम रही है, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में दिन है, आपकी लाइफ में रात है, दिन है आप काम करते हो, रात है आप सोते हो। अब विचार करो, अगर रोटेशन ही नहीं होता, अर्थ रोटेट ही नहीं करती, 24 आवर्स होते ही नहीं, कभी 24 घंटे खत्म ही नहीं होती, ना दिन खत्म होता ना रात खत्म होती, तो क्या होता। मतलब अगर सपोज सन की रोशनी एक जगह पड़ रही है
तो वहां पड़ती रहती वहां गर्मी 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 फुल गर्मी, और दूसरी जगह जहाँ सन की रोशनी नहीं पड़ रही, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो दूसरी जगह रात है वहां रात ही रहती और ठंड रहती ठंड रहती, तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। तो अब आपको पता लगा रोटेशन क्यों जरूरी है कि अर्थ अपने इर्द गिर्द चक्कर काटे। अब यहाँ देखो, डू यू नो, यहाँ पे एक डू यू नो इम्पॉर्टेंट है, डू यू नो द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स इट्स इन ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्टा थे जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि अर्थ राउंड है, द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ राउंड है और वो अपने इर्द गिर्द ही चक्कर काटती है, अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। सो अब देखें, ये आर्यभट्ट ने ऐसे बोला था, तो एक चीज उन्होंने गलत बोली थी, अर्थ को राउंड बोला था, अर्थ क्या है, स्फेयर है, स्फेयर शेप है, राउंड नहीं है, ठीक है, और रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस वो सही बोला था उन्होंने। अच्छा, अब हम अभी दूसरे मोशन के बारे में पढ़ेंगे, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन है दूसरा मोशन, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द दूसरा मोशन, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, सन के इर्द गिर्द अर्थ का दूसरा मोशन, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। अच्छा, अब सन को रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। मतलब अर्थ को रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, और उसी की वजह से एक साल पूरा होता है, जो आपके 365 डेज होते हैं वो क्यों होते हैं, एक साल में 365 डेज क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, अर्थ मोशन करती है सन के इर्द गिर्द। और बताओ दिन और रात क्यों होते हैं, 24 का लाख क्यों, एक पूरा दिन क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ करती है रोटेशन। रिवॉल्यूशन मतलब जब अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और उसका मतलब होता है एक साल होना, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो अर्थ को सन के इर्द गिर्द चक्कर काटने में 365 डेज एंड 1/4 लगता है। अब 1/4 का मतलब होता है 6 घंटे, पर हम ये 6 घंटे इग्नोर करते हैं, हमको कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए हम 365 डेज ही लेते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, अब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से देखो, एक तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से एक पूरा साल नया हो जाता है, मतलब पूरा साल हो जाता है, 1 ईयर हो जाता है, और दूसरा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से सीजन्स भी होती हैं, अलग अलग सीजन्स भी बनती हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है। सो ये सारी सीजन्स भी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से ही पॉसिबल होती हैं, ठीक है। सो सिक्स आवर, जो हमने 6 घंटे एक हर साल में 6 घंटे जो बचते हैं वो हम एक एक दिन में डाल देते हैं 4-4 सालों में। अब आपको 4 साल, जो मैंने आपको नहीं बताया 365 1/4 डेज, देखो यहाँ अर्थ कितना, अर्थ का अर्थ क्या करती है, अर्थ को 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं घूमने में, तो हम ये 6 घंटे बचा लेते हैं, और हम ये 6 घंटे 4 साल बचा के फिर नेक्स्ट ईयर में ऐड कर देते हैं, और उसी को ही बोलते हैं हम लीप ईयर, ठीक है। तो हर चौथे साल फरवरी में 29 डेज होते हैं 28 डेज की जगह, ठीक है, एक दिन ज़्यादा होता है और उसी को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। सो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, द सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये दिन कब ऐड किया जाता है, फरवरी में, दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, इसलिए हर चौथे साल फरवरी 29 डेज का आता है। ये कहाँ से, मतलब 6-6 घंटे कहाँ से, क्योंकि अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, तो हमने 4 साल ये 6 घंटे बचा के
फिर हमने चौथे साल में डाल देते हैं, इसलिए फरवरी 29 डेज का हो जाता है 28 डेज। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। एक साल ज़्यादा होता है लीप ईयर में, एक दिन, पूरा एक दिन ज़्यादा होता है, सो उसे हम लीप ईयर कहते हैं, 366 डेज वाला ईयर लीप ईयर, ठीक है। जबकि फरवरी में 29 डेज होते हैं, वैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं, पर जो लीप ईयर होता है उसमें 29 होते हैं और वैसे 28 होते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये अर्थ है, ये फिगर देखो, सो अर्थ है, ये बीच में सन है और ये अर्थ है, इसके देखो इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, अर्थ चक्कर काट रही है, तो अर्थ ने देखो शेप कैसा बनाया, इलिप्टिकल, क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। सो द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। जो अर्थ है, अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। और नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब पूरे ऑर्बिट में अर्थ एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। आपको पता है पूरे साल में चार सीजन्स आती हैं हमारे इंडियंस के हिसाब से, सो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। खैर इंडियंस नहीं, सब जगह चार सीजन होती हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। और सीजन्स क्यों बदलती हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सीजन्स क्यों बदलती हैं, क्योंकि अर्थ की पोजिशन बदलती है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। अर्थ मतलब घड़ी घड़ी अलग पोजीशन पे आता है। देखो देखो, जब अर्थ यहाँ आता है तो अर्थ यहाँ होता है तो दूसरी सीजन होती है, अर्थ यहाँ होती है तो दूसरी सीजन होती है, अर्थ यहाँ आता है तो दूसरी सीजन होती है, अर्थ यहाँ आता है तो दूसरी सीजन, मतलब अर्थ जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे सीजन्स बदलती रहती हैं, ठीक है। सो पर हर जगह सेम नहीं होती है सीजन, मतलब हर देश में चार सीजन्स होंगी पर वो चारों सीजन का टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि डे और नाइट वाला भी होता है ना, अर्थ रोटेशन भी तो करता है, रिवॉल्यूशन तो करता है, रोटेशन भी तो करता है। तो सपोज यहाँ हमारे यहाँ अगर ठंड होगी तो कहीं और गर्मी पड़ रही होगी, वैसा होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये अर्थ इस तरह से घूमती है, ठीक है। सो अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन्स क्यों बदलती हैं, क्योंकि अर्थ की पोजिशन बदलती है, इसलिए सीजन्स भी बदलती हैं। तो बच्चों अगर फिगर 3.3 को देखो तो यहाँ देखो फिगर 3.3 है आपकी, ठीक है। सो ये है आपकी फिगर 3.3। तो यहाँ देखो ये अर्थ है, अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, ठीक है। अर्थ में देखो बीच में ये एक्सिस है, अर्थ में देखो मतलब ऑब्वियसली सब अर्थ ही है, तो एक्सिस है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये जो हमने सीखे थे लैटिट्यूड्स वो भी बने हुए हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। सो यहाँ देखो ऊपर की साइड कौन सी सीजन है, स्प्रिंग है, विंटर है, फिर यहाँ देखो यहाँ स्प्रिंग है नॉर्थ, यहाँ स्प्रिंग है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी, यहाँ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगी, ठीक है। यहाँ विंटर होगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ समर होगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है।